हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं क्लास फर्स्ट के सभी बच्चों को सहज हिंदी रचना का नेक्स्ट लेसन लेसन 7 पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन 7 है वर्णमाला अभ्यास। रिक्त स्थानों में उचित वर्ण लिख करके वर्णमाला क्या करो, पूरा करो। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों को स्वर और सेकंड वीडियो में आप सभी बच्चों को व्यंजन के बारे में समझाई थी और संयुक्ताक्षर के भी बारे में तथा दो अन्य वर्ण के भी बारे में मैंने आप सभी बच्चों को बताया था। तो इसीलिए जो आज के लेसन में दिया हुआ वर्क है उसे आप लोग अपने आप से स्वयं समझ करके लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ खाली जगह को भरना है। जैसे यहाँ पे दिया है अ के बाद क्या आता है, आ। तो यहाँ पे हम आ ही भरेंगे, छोटी ई फिर बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ए ओ औ अंग अह। तो इसी तरह ये पूरे खाली जगह को हम होमवर्क के रूप में घर पे बैठ कर ही क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे एच डब्ल्यू डाल देंगे, फिर आप लोग सब घर पे ही बैठ करके इसको लिखेंगे। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और डब्बे में उसके आंसर है, उसमें से हमें क्या करना है, छांट करके उस पर टिक लगाना है। जैसा कि पहला प्रश्न क्या है, वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है, तो अभी इसमें कौन सा होगा। यहाँ पे फर्स्ट डब्बे के सामने दिया है ए, दूसरे सामने दिया अ और तीसरे वाले के यहाँ दिया है ह। तो इसमें से सभी बच्चों को सबको मालूम है कि वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है, अ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे टिक लगा देंगे। दूसरा है क के बाद कौन सा वर्ण आता है, फर्स्ट वाले में दिया है ख, सेकंड में म और थर्ड में दिया है ग। तो क के बाद क्या आता है, ये सबको मालूम है, ख। तो ख के सामने बने हुए डब्बे के सामने हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है च के बाद कौन सा वर्ण आता है, पहला है श, छ, भ। तो इन तीनों में से कौन सा आएगा, च के बाद क्या आता है, सेकंड नंबर यानी छ। अब हम चौथे नंबर पे पहुंचते हैं, ट के पहले कौन सा वर्ण आता है, यहाँ पहले पूछ रहा है, बाद में नहीं, पहले। तो यहाँ पे ए है, इसके पहले डब्बा बना है, दूसरा अ है, न्य। तो इन तीनों में से क्या हो जाएगा, तीसरा वाला नंबर न्य, उस पर हम टिक लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंचते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसमें संयुक्ताक्षर कौन सा है, पहला है त्र, ट, ग, संयुक्त व्यंजन इसमें कौन सा है, तो फर्स्ट वाला है त्र, त्र से त्रिशूल, ये संयुक्त व्यंजन है। और नंबर 6 है इसमें स्वर वर्ण कौन सा है, क है, छ है एंड थर्ड वाला क्या है, ए है। तो इस तीनों में से स्वर कौन सा हुआ, मैंने पढ़ाया था, क्या है, थर्ड वाला है, ए हुआ। तो इसी प्रकार हमने लेसन नंबर 7 वर्णमाला का क्या किया है, अभ्यास किया है। तो इसको हम दो नंबर दो लाइन वाली कॉपी में हम इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले से आप लोगों के लिए यहाँ पे कॉपी में क्वेश्चन बना के रखा है, जैसे ऊपर में लिखेंगे लेसन 7 प्रश्नों के उत्तर वर्णमाला अभ्यास। अब यहाँ पे पहला है प्रश्न, वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है, तो एक वर्ड में आंसर, एक शब्द में हम आंसर क्या देंगे, अ वर्ण है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, क के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ख वर्ण आता है। फिर थर्ड क्या है, च के बाद कौन सा वर्ण आता है, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाए हमने,
प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर यहां पे क्या होगा उत्तर, छ वर्ण आता है। प्रश्न नंबर चार, ट के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो हमने उत्तर क्या लिखा है, न्य वर्ण आता है। नंबर फाइव, त से पहले कौन सा वर्ण आता है, तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा है अण वर्ण आता है। फिर सिक्स नंबर है, म से पहले कौन सा वर्ण आता है, तो म से भ वर्ण आता है आंसर। तो इसी तरह से हम सिक्स प्रश्न उत्तर क्या करेंगे, दो लाइन वाली कॉपी में हम अच्छी तरह से लिखेंगे, फिर दूसरे पेज पे इसी को क्या करेंगे, HW डाल करके सेम, फिर उसको दोबारा हम लिखेंगे और आगे एक प्रश्न हम नेक्स्ट पेज पे और लिखेंगे। ये तो रहा व्यंजन से बने हुए कुछ प्रश्न, और वर्णमाला अभ्यास में जैसे कि हम यहाँ पे मैंने लिखा है वर्णमाला अभ्यास, सही जोड़े बनाओ, सही जोड़े बनाओ। हम एक लाइन में अ ई उ ए ओ अंग, और दूसरे ठीक उसी के सामने हम क्या लिख देंगे, बड़ी ई आ ए उ अह अ, फिर हम इसको एक दूसरे के सामने मिलाएंगे, तो अ के बाद क्या आता है, आ, जैसे कि मैंने पहले से मिला के ही रखा हुआ है। छोटी ई के बाद क्या आता है, बड़ी ई, छोटा उ के बाद क्या आता है, बड़ा उ, ए श्रेणी के बाद क्या आता है, ए, फिर यहाँ पे ओ के बाद क्या आता है, ओ, और अंग के बाद लास्ट वाला क्या है, अह। तो इसी प्रकार से सभी बच्चे क्या करेंगे, ये कॉपी में दो लाइन वाली कॉपी में हम अच्छी तरह से इसको लेसन बाय लेसन लिखते चलेंगे, अपना नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तो ये आज ये फोर्थ वीडियो है, चौथा वीडियो है जिसमें मैंने सेवन लेसन पढ़ाया है, ठीक है। सो थैंक यू।